जोया के बेटे को क्या खतरा है, कौन सी टीम हेल्प करेगी टाइगर की, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे सलमान खान के करियर की वन ऑफ द मोस्ट एपिक मूवी फ्रेंचाइज, जो कि उनके कैरेक्टर टाइगर पर बेस्ड है। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं टाइगर फ्रेंचाइज के बारे में। तो आप लोगों को बता दें, टाइगर फ्रेंचाइज में अब तक टोटल 2 मूवीज तैयार की गई हैं, जो है एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है। इसी में फ्रेंचाइज का थर्ड पार्ट होने वाली है मूवी टाइगर से, जिसमें सलमान खान और कैटरीना कैफ टाइगर और जोया के किरदार में एक बार फिर नजर आने वाले हैं। और आपको बता दें अब, क्योंकि फिल्म टाइगर 3 फिल्म टाइगर जिंदा है कि 5 साल बाद रिलीज होने वाली है, इसका मतलब है कि फिल्म में भी एक टाइम जंप दिखाया जाएगा, जिस वजह से टाइगर और जोया का बेटा 5 साल बड़ा हो चुका होगा। बेसिकली यह फिल्म टाइगर और जोया के बेटे के अराउंड ही सारी मूवी रिवॉल्व करने वाली है। और अब क्योंकि टाइगर और जोया के दुश्मन मौजूद हैं ऑल ओवर वर्ल्ड की एजेंसीज में, जिस वजह से ना सिर्फ उन दोनों के लिए बल्कि उनसे जुड़े हर उस इंसान के लिए खतरा है जो कि उनसे किसी भी तरह से कनेक्टेड है। हालांकि उन दोनों को ढूंढने में तो सभी लोग लगे हैं, लेकिन वो अलग बात है कि ढूंढ नहीं पाता कोई। आखिर कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, और अगर बाय चांस सबको पता चल जाए कि टाइगर का एक बेटा भी है, तो वो बहुत इजीली सबका ही एक प्राइम टारगेट बन जाएगा, जिसकी प्रोटेक्शन करना टाइगर और जोया के लिए बिल्कुल भी आसान काम नहीं होने वाला है। और इसी के दौरान हमें टाइगर जिंदा है मूवी की इंडिया पाकिस्तान की यूनाइटेड टीम को दोबारा देखने का मौका मिलेगा, जो कि टाइगर और जोया को अंडरग्राउंड होने में पूरी तरह हेल्प करेंगे। तो अब आप लोग बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग क्या जोया और टाइगर अपने बेटे को दुनिया की नजरों से हमेशा के लिए छुपा सकते हैं या नहीं, और साथ ही आपके इस फिल्म के बारे में क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ खत्म करते हैं ये सिलसिला, कहने का कुछ अनकहा और सुनने का कुछ अनसुना। और जाते जाते वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।